गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, दिस इज़ अरुणा भड़गुतिया, योर साइंस टीचर. मैंने आपको लास्ट वीडियो में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को डिस्क्राइब किया था कि न्यूट्रिशन इन प्लांट क्या होता है. जितने भी प्लांट्स होते हैं वो न्यूट्रिशन क्यों करते हैं, उनके लिए न्यूट्रिशन क्यों रिक्वायर्ड होता है. आज मैं इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं वो बुक के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँगी. आप फर्स्ट स्टार्ट करना. न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइज बाय द बॉडी. इट मीन्स न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि हम फूड लेते हैं, ऑर्गेनिजम्स फूड लेते हैं और फूड का क्या करते हैं, फिर वो डाइजेशन करते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन करते हैं और फिर उसको यूटिलाइजेशन करते हैं बाय द बॉडी. किसके थ्रू? बॉडी के थ्रू. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं. न्यूट्रिशन में हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? न्यूट्रिशन के लिए हम न्यूट्रिएंट्स का यूज़ करते हैं. और उन न्यूट्रिएंट्स में क्या होते हैं? उन न्यूट्रिएंट्स में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट होते हैं, कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, जिसका यूज़ हम अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए करते हैं. नेक्स्ट जो है, लाइक अस प्लांट्स ऑल्सो नीड न्यूट्रिएंट्स टू सर्वाइव. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी न्यूट्रिशन इन प्लांट. वैसे ही जिस तरह से हमको फूड की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे ही प्लांट्स को भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है. तो प्लांट्स अपनी फूड की रिक्वायरमेंट को कैसे कंप्लीट करते हैं, वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. नेक्स्ट है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक होते हैं. ऑटोट्रॉफिक का मीनिंग क्या होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिजम्स मेक्स इट्स ऑन फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सराउंडिंग इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑर्गेनिजम्स हैविंग ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. इसका मीनिंग ये है कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सिंपल प्रोसेस के थ्रू, फॉर एग्जाम्पल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स का यूज़ करके अगर न्यूट्रिशन फॉर्म करते हैं, मतलब अपना ऑन फूड बनाते हैं, तब उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. और ऐसे प्लांट्स जो इस प्रोसेस को करते हैं वो उनको हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑल ग्रीन प्लांट्स, सम बैक्टीरियाज भी जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं क्योंकि वो अपना फूड सेल्फ बना लेते हैं. नेक्स्ट जो है आपको है हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अब हेटरोट्रॉपिक का मीनिंग क्या होता है? इसमें ये इसकी डेफिनेशन दी है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिजम्स कांट मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस बट ऑब्टेन रेडीमेड फूड मेड बाय द ग्रीन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑर्गेनिजम्स हैविंग हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स. इट मीन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना ओन फूड फॉर्म नहीं करते हैं बट अपना फूड जो होता है वो अपना फूड के लिए वो अदर सोर्सेस पे डिपेंड करते हैं. तो ऐसे सभी ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉप्स कहते हैं. और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है आपको फोटोसिंथेसिस है. मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, बट मैं लाइन बाय लाइन आपको ये क्लियर करती हूँ. ऑल ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इट मीन्स जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना ऑन फूड, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है इन द प्लांट्स. अगर वो नहीं करेंगे तो उनको फूड फॉर्म नहीं कर सकते. तो ये डायग्राम से अच्छा शो हो रहा है, ये आपको दिख रहा है डायग्राम. ये सॉइल वाला पार्ट है, ये प्लांट है, ये इसकी रूट्स हैं, आपको दिख रही है. यहाँ पर ये अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड मिनरल्स हैं. ये क्लोरोफिल इन लीफ है, सन है, सन से एनर्जी कौन ले रहा है? प्लांट ले रहा है. लाइट एनर्जी ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन को रिमूव कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं. तो प्लांट्स जो होते हैं वो सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में किसका फॉर्मेशन करते हैं? क्लोरोफिल का फॉर्मेशन करते हैं. क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिसके कारण कि जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी लीफ कैसी होती है? ग्रीन कलर्ड होती है ना. तो ये फोटोसिंथेसिस का पर्टिकुलर डायग्राम है, यहाँ पर उसको डिस्क्राइब करा है.
फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स बिल्ड, इट मीन्स फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट होती है और सिंथेसिस का मतलब होता है उसको बनाना या बिल्ड करना। दस फोटोसिंथेसिस मीन्स बिल्डिंग अप बाय लाइट, किसके थ्रू? लाइट के थ्रू बनाना। द लीव्स ऑफ अ प्लांट आर ग्रीन बिकॉज दे कंटेन द ग्रीन टाइनी ग्रीन कलर्ड बॉडीज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। आप ये इस डायग्राम में देखो, जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रीन लीव्स हैं, तो ये ग्रीन क्यों होती है? हमको तो पता चल गया है कि हाँ, लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ही क्लोरोफिल बना रहे हैं। पर क्लोरोफिल क्या होता है? जब भी कोई प्लांट की लीव्स जो होती है उस पर लाइट आती है तो उसके अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, तो ये पिगमेंट्स क्या होते हैं? इस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और ग्रीन कलर को प्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण क्या होता है? क्लोरोफिल बनता है। ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट एक तरह से देखा जाए तो एक मशीन होती है जो कि क्या बनाती है? क्लोरोफिल बनाती है। द क्लोरोफिल यूजेस द सोलर एनर्जी टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ पर आपको यही दे रखा है कि ये जो क्लोरोफिल होता है, मतलब कि ये जो ग्रीन लीव्स होती हैं क्या करती हैं, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या करता है? सोलर एनर्जी मतलब सन एनर्जी को यूज़ करता है फूड के प्रिपरेशन में। अब ये प्रोसेस हम देखते हैं। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सोलर एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इट मीन्स जब कोई ग्रीन प्लांट अपना ऑन फूड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के यूज एवं लाइट की प्रेजेंस में फॉर्म करते हैं, तब उसको हम बोलते हैं किसको फॉर्म करते हैं? क्लोरोफिल को, फिल को फॉर्म करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। एंड रिलीज क्या करते हैं? ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। उस समय में वो क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन। तो इससे हमको ये पता चलता है कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं एंड ऑक्सीजन को वो रिलीज़ करते हैं, जिसका यूज़ ह्यूमन बींग्स करते हैं। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब हम इसको इक्वेशन के थ्रू देखते हैं। ये इसकी इक्वेशन है, आपको क्लियरली दिख रही होगी। 6CO2, CO2 क्या होता है ये आपको लर्न करना पड़ेगा। 6CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड, ही नीचे लिखा है। कहाँ से लेते हैं? एयर से लेते हैं। कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के? 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं। प्लस मतलब इसके साथ क्या लेंगे? वाटर लेंगे। वाटर के भी कितने मॉलिक्यूल्स लेते हैं? 6 मॉलिक्यूल लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? सॉइल से लेते हैं। किसकी प्रेजेंस में लेते हैं? सनलाइट की प्रेजेंस में लेते हैं। और ग्रीन क्लोरोफिल कहाँ होता है? ग्रीन लीव्स में होता है, जिस पर कि ये सनलाइट पड़ती है। क्या बनाते हैं? C6H12O6, मतलब कि क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज क्या होता है? फूड होता है। और क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन। ये आपको दिखा हुआ है कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के? 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के रिलीज करते हैं। तो ये कंप्लीट एक प्रोसेस है जिससे कि फोटोसिंथेसिस होता है। नेक्स्ट है, द फूड प्रिपेयर्ड बाय द ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिंपल शुगर कॉल्ड ग्लूकोज। जब ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है तो ग्रीन लीव्स के अंदर क्या फॉर्म होता है? ग्लूकोज फॉर्म होता है। आप भी ग्लूकोज खाते ही होंगे, आपको ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है, वैसे ये प्लांट्स में भी ग्लूकोज एनर्जी के फॉर्म में होता है। ग्लूकोज प्रिपेयर्ड इन द लीव्स इज देन ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट एज सुक्रोज बाय द फ्लोएम टिश्यू। अब फ्लोएम क्या होता है? देखो मैं आपको इसका डायग्राम एक शो करती हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ। ये रूट्स हैं और ये प्लांट है। ये आपको दिख रहा है, ये प्लांट है, ठीक है? ये प्लांट है, ये रूट्स हैं, ये क्या है? लीफ है।
यहाँ पर क्या पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, ये क्या है, सन है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी सनलाइट पड़ती है तो लीफ में किसका फॉर्मेशन होता है, लीफ क्या करती है, फूड का फॉर्मेशन करती है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है वाटर, क्या होता है यहाँ पर, वाटर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सॉइल के अंदर ही वाटर होता है ना। तो वाटर जो होता है वो रूट से एब्जॉर्ब करती है और कहाँ तक पहुँचाती है, पौधे तक, ऊपर तक पहुँचाती है, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे ही लीफ किसका फॉर्मेशन करती है, फूड का फॉर्मेशन करती है, तो ये फूड जो होता है थोड़े टाइम के बाद किसके फॉर्म में करती है, ग्लूकोज, ग्लूकोज के फॉर्म में, है ना। तो ग्लूकोज जो होता है वो कहाँ बनता है, लीव्स में बनता है, और फिर कहाँ आता है, वो पौधे के या प्लांट के निचले वाले पार्ट में, मतलब कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और यहाँ से वाटर कहाँ जाता है, अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि फूड जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है क्योंकि लीफ में बनता है, और वाटर जो होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है अलग अलग ऑर्गन्स तक, है ना। तो नेक्स्ट जो है इसमें वो है, ग्लूकोज प्रिपेयर्ड इन द लीव्स देन ट्रांसपोर्टेड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट एज सुक्रोज बाय द फ्लोएम टिश्यू, एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज चेंज्ड इंटू अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड स्टार्च, दिस स्टार्च इज स्टोर्ड इन द लीव्स एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, है ना। तो ये जो होता है, ये एक्चुअली अगर देखा जाए तो जो कार्बोहाइड्रेट लीव्स में होता है वो किसके फॉर्म में होता है, वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। जैसे आपने देखा होगा पोटेटो में भी स्टार्च होता है ना, और कहाँ पर स्टोर्ड होता है, वो होता है लीव्स में स्टोर्ड, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट क्या है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, है ना। तो इसमें दे रखा है आपको क्या क्या चाहिए, वाटर एंड मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ठीक है। ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड है, अभी इनको हम डिटेल्ड पढ़ेंगे। ये जो डिटेल्ड हम पढ़ेंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं सेंड करूँगी, आपको यहाँ तक का पूरा प्रिपेयर कर लेना है। रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। आपको प्लांट का डायग्राम बनाकर उसके, आपको मैं बता देती हूँ, आपको ये वाला डायग्राम बनाना है रफ में और इसको लर्न कर लेना है, ये डायग्राम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये वाटर एंड मिनरल्स, क्लोरोफिल एंड लीव, इन लीव, लाइट एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये आपको रफ कॉपी में बनाकर इसको लर्न करना है। ओके, थैंक यू।